फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज व अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेट डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। उन्होंने हम सबको आग में झोंक दिया। हमारे अर्तुरुल भाई को बेदर्दी से जला दिया इन जालिमों ने। हम कुछ भी ना कर सके। तुम्हारी जिम्मेदारी है दुंदार, इसलिए आज नहीं लेकिन कल हमें सरदारी के लिए चिरका बुलाना होगा। अगर तमाम मुअज्जिज़ीन मुत्तफिक हैं तो आज से कबीले के सरदार दुंदार साहब होंगे। बहुत अच्छी बात की है खानम ने। मैं इस किताब की, इस परचम की और इस तलवार की कसम खाता हूं कि अगर मैंने दीन के, अपने आबाओ अजदाद के और अपने भाई के तौर तरीके से रूगर्दानी की तो इस कुरान के हक के लिए और इस परचम की इज्जत की खातिर मेरी ही तलवार से मेरा सर जुदा हो जाए। देख लो अर्तुरुल, देख लो सल्तनत और उसके ताकतवर अमीर से
कितना अरसा अदावत रखी तुमने। वो आपके हर उठते कदम में रुकावट डालता था अमीर हजरत। अंजाम क्या हुआ उसका? अपनी कब्र खुद खोद ली उसने। सुल्तान सुल्तान है मगर वो ये समझ ही नहीं पाया यहां मेरी ताकत है। मरने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा उसे। यहां जबरदस्ती आने वाले उसके कबीले को मैं वापस वहीं भेज दूंगा। मैं एक ऐसा नया निजाम इन इलाकों में राइज करूंगा कि लोग उसे भूल जाएंगे। जाते वक्त हैरिस की मुस्कुराहट काबिले दीद थी अमीर हजरत। जब मेरी दी जाने वाली पेशकश पर वो सुकून से बैठकर सोचेगा तब तुम देखना उसकी मुस्कुराहट। इसमें कोई शक नहीं जनाब। अमीर हजरत जिरका किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा। दुंदार साहब औताक संभाल लेंगे। ये जिरका एक खेल है गुगतू और इसका फातह मैं बनूंगा। दुंदार को तो मैं ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि अर्तुरुल के पास जो कुछ भी था और जो कुछ उसने मुझसे छीना था सब कुछ मेरा हो जाएगा। मगर अभी असल मसाला तुर्कुत का है। कोई खबर है उसके बारे में? सुना है वो यहां रहकर अर्तुरुल के इंतकाम के लिए सिपाहियों को उकसा रहा है अमीर हजरत। उसे फौरन मेरे पास भेजो। अर्तुरुल तो चला गया, अब उसे भी अंजाम तक पहुंचाना है। तुर्कुत को मैं ऐसी जगह भेज दूंगा जहां उसे सोना भी नसीब नहीं होगा। क्या हुआ, भूख लगी है? क्या थोड़ा पानी है? थोड़ा सा पानी दे दो। पानी पानी दे दो। मुझे भी पानी। तो बताओ अर्तुरुल जिंदा रहेगा? उसका गुस्सा उसे जिंदा रखेगा। परेशान ना हो। क्या हुआ था वहां? सब कुछ बताओ मुझे। एक भी बात बताने से रह गया अगर तुम तो हम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कमांडर हैरिस ने लुटेरों का भेस बदल कर अर्तुरुल के लिए जाल बिछाया था। बहुत खूनरेजी हुई। मार डालो इन सबको, कोई भी जिंदा ना जाए। हैरिस का चेहरा मैंने उस वक्त देखा जब वो जख्मी था। वो हैरिस ही था। यकीनन ये हैरिस तुर्कों के साथ मुआहदे को तोड़े बगैर अर्तुरुल से छुटकारा पाना चाहता होगा। लेकिन अर्तुरुल बच कैसे गया? दो सिपाही उसे जख्मी हालत में लेकर जा रहे थे। भाई भाई अब ठीक हो जाएंगे। मैंने उनका पीछा किया। थोड़ी दूर और। हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए भाई। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। वो आ गए। अर्तुरुल के सिपाहियों ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी मौत के बाद मुझे अर्तुरुल को ले जाना आसान हो गया। लेकिन उसके जनाजे का क्या? कैसे यकीन हुआ तुर्कों को कि जो मरा है वो अर्तुरुल है? मैंने अर्तुरुल की अंगूठी हैरिस के आदमियों में से एक आदमी के अंगूठे में पहना दी और उस आदमी को जला दिया मैंने। अच्छा है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? इत्मीनान रखो, इस हकीकत का इल्म सिर्फ हम दोनों को है। तुमने बहुत अच्छा किया एंथियस। अब हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम दोनों सल्तनतों को एक दूसरे के मुकाबले लाकर खड़ा कर देंगे। तो फिर अब क्या करना है हमें? अगर हम इस बात से फायदा उठाना चाहते हैं
तो अर्तुरुल को जिंदा रखना होगा। हमें वो जिंदा दरकार है, मुर्दा नहीं। और एरिस उसे मुर्दा अर्तुरुल का नहीं बल्कि सांस लेते जिंदा अर्तुरुल का खौफ होगा। वो हमें बहुत सारा सोना भी देगा, क्योंकि मारिया जैसी खूबसूरत कनीस तुमने एरिस को तोहफे में जो दी है। वक्त आने पर तुम उससे राब्ता करोगे। मारिया हमारे लिए किले की कुंजी साबित होगी। चलो चलते हैं, जाने से पहले एक बार अर्तुरुल साहब को भी देख लें। नफरत ही जिंदा रखेगी तुम्हें अर्तुरुल साहब। अपनी नफरत को जिंदा रखो और हमें माला माल कर दो। यूसुफ को कुएं से निकालने वाले, यूसुफ को कुएं से निकाल कर बचाने वाले रब, इस नाजुक हालत में अपने इस गुलाम की मदद फरमा, मदद फरमा। आपने मुझे बुलाया था अमीर हजरत? हमारे सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था तुर्कुत? मालूम करने का कहा था, और कहा था कि अर्तुल भाई को ढूंढे बगैर मत आना। तो मालूम हो गया कि क्या हुआ था। अर्तुल भी जबकि मिल चुका है तो तुम्हारे अब यहां रहने का कोई जवाब नहीं। अर्तुरुल भाई तो मिल गए, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे ढूंढे बगैर, जिसने भी ये किया है यकीनन वो मिल जाएगा। यहां सलजूक का अमीर मौजूद है अभी, और दुंदार साहब भी हैं। तुम्हारी यहां कतन कोई जरूरत नहीं। लेकिन अमीर हजरत, तुम यहां अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हो तुर्कुत। हमारा लश्कर महास पर है और तुम्हारा वहां होना ज्यादा अहम है। कल सुबह होते ही तुम अपने सिपाहियों को लो और रवाना हो जाओ। तुम्हें यहां की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
सरदारी मुबारक हो, खुशहाली मुकद्दर हो आपका दंदौर साहब। अल्लाह राजी हो आपसे असलियान खातून। शुक्रिया बेटी, खुश रहो हमेशा। आपकी रवानगी कब तक है तुरकुत साहब? अपने सारे सिपाहियों के साथ मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा इंशाल्लाह। इस शोक के वक्त आपका कबीला छोड़ना यकीनन मुश्किल होगा, लेकिन आप और आपके सिपाहियों से हम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपका दिल एक सिपाही का दिल है, ये बोझ भी सह जाएगा इंशाल्लाह। इस शोक से बढ़कर अर्तुरुल भाई का इंतकाम लिए बगैर वापस जाना बहुत बड़ा बोझ है मेरे लिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अर्तुरुल साहब का खून रायगा नहीं जाएगा, जबकि इस वक्त हमारी रियासत आपकी मुंतजर है। आपको अपनी तलवार उठाकर जंग के मैदान में उतरना होगा तुरकुत, लेकिन ये मत भूलिएगा कभी कि कबीले में मुंतजर है कोई आपका। कोई मुंतजर है मेरा यहां पर, बस यही बात मेरे जुदाई के गम को कम कर देती है। इंसान के लिए अपने प्यारों की मौत कबूल करना मुश्किल है, और ना ही इंसान के लिए अपने प्यारों को जमीन के सुपुर्द करना आसान है। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि आप हम में नहीं है, एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा मुझे। अर्तुरुल, आपने मुझे सहमी हुई हिरनी की आंखों में देखा था, मेरे मुश्किल तरीन वक्त में सहारा दिया था मुझे। देखिए मैं फिर मुश्किल में हूं, इस बार दुश्मन की तेज धार तलवार ने नहीं बल्कि आपकी जुदाई के गम ने आ घेरा है मुझे सरदार। वालिदा, गुंदूस, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप बाबा के पास जा रही हैं? गुंदूस, तुम सो रहे थे इसलिए नहीं उठाया मैंने। आपको उठाना चाहिए था वालिदा, अगर मैं बाबा के कब्र पे पानी नहीं डालूंगा तो फूल कैसे बढ़ेंगे? जाहिर है नहीं बढ़ेंगे, ठीक कहा तुमने।
वैसे भी मुझे कुछ बाबा को बताना है। क्या बताना है बेटा कुंदूस? बाबा, आपने मुझे अपनी तलवार नहीं दी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं है, वक्त आ गया है। अब ये आसमानी तलवार मेरे हाथ में है। हाथों में खुद को थका ही नहीं, मैं ख्याल रख रहा हूं आपका। जोर ना दें अभी, आप बहुत कमजोर हैं अभी। देखिए शोरबा बनाया है आपके लिए, ये ले पी लीजिए। ये वक्त शोरबा पीने का नहीं है। मेरे सिपाही कहाँ हैं? तुम कौन हो? मुझे अपना दोस्त ही समझे, आप मुझे जख्मी हालत में मिले थे। चले ये पी लीजिए ताकि जल्दी बेहतर हो सके। मेरा बेहतर होना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर शख्स जो आपको चाहता है उसके लिए भी, क्योंकि आपके प्यारे आपके इंतजार में है। मतलब उनके हाल से वाकफियत है तुम्हें? आप खुद को थकाए नहीं हूं, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो किसी को नहीं देख पाएंगे उनमें से। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना है, आप इसे खत्म करें।
करज एसआर के लिए रवानगी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं अमीर असलत। आला, मुस्तकबिल के दोस्त हैं वो हमारे। माजरत चाहता हूं अमीर हजरत, लेकिन बात समझ नहीं आई मुझे। अपनी आंखें खोलो गुक्तू, कायनात में हर शय मुतहर्रिक है, तो फिर हम क्यों साकिन रहें? हमें अपना खजाना खुद तलाश करना होगा। हर हादसे के बाद एक नया दरवाजा आया होता है। अगर आप उस दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो जीत आपकी होती है, और वो दरवाजा हमारे लिए हानली बाजार है। समझो कि एक नए दौर का आगाज होने वाला है। हाँ, वो बहादुर साहब, कोई खबर आई उनकी? वो रास्ते में है जनाब, ज्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें यहां पहुंचने में। आला, बहादुर साहब बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि असलहान को उसके मनसब से बरतरफ करने वाले चांदार साहब के भाई बहादुर साहब होंगे, और यही शख्स मेरे लिए असलहान खातून से मेरे निकाह के और चावदार कबीले के दरवाजे खोलेगा। सुल्तान, अलाउद्दीन की फौज के साथ मुत्तहद हैं हम, और दुश्मन के लिए अमान नहीं। चावदार कबीले की बहादुरी का पूरी दुनिया में सिक्का बिठा दिया हमने। हमारा कबीला हमारी पुश्त पर है, और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है, और अब दोनों कबीलों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया है। नई जंगें और नई फुतूहात हमारी मुंतजर है। आपके लिए गद्दार पकड़ कर लाया हूं बाबा। कारा तुंगा, अफसोस है तुम पर कारा तुंगा। तुम मेरे कबीले के सरदारों में से एक थे, मेरी जौजा कराजा के भाई थे। कभी भी तुम्हें अपने बेटे संजार से कम नहीं समझा, मगर तुम मेरी जौजा को गुमराह करके और मुझे मार के मेरे कबीले का सरदार बनना चाहते थे, हाँ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपने खानदान और अपने भाई से गद्दारी की, गद्दार हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी बहादुर साहब के नाम कर दी है। काश के मेरे भाई ना होते तुम। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी जौजा हो। गद्दार का सर काटने का हक आपका है सरदार। जो भी
मेरी इताअत का मुनकर होगा और मेरी सरदारी से बगावत करेगा, हर उस शख्स को अपने किए का अंजाम भुगतना होगा। गद्दार का खून बहाकर ही इंतकाम की आग बुझती है। सिर्फ मेरे भाई की ही नहीं, मेरी भी जान कुर्बान है आप पर। नजरे बद से महफूज रहे आप। जब तक मेरा बहादुर बेटा, मेरी बहादुर जौजा और मेरे बहादुर सिपाही मेरे साथ हैं, मुझे कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चावदार कबीले के करीब पहुंच गए हैं हम बाबा। वो कबीला मेरे अजदाद और मेरे भाई जानदार का है और आज के बाद वो मेरा कबीला होगा। हमारी पुश्त पर पहाड़ की तरह मजबूत अमीर सादातीन हैं, उनकी मदद से इन तमाम इलाकों पर अब हमारा राज होगा। इंशाल्लाह जनाब। बहादुर सिपाहियों, मैदान जंग में हमने दुश्मन को पसपा किया, गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए और अब अपने कबीले पहुंचकर इन इलाकों पर हुकूमत करने का वक्त आ गया है। जो कोई भी हमारे खिलाफ जाएगा और हमारी ताकत का इनकार करके हमारे मुकाबले पर आएगा, हम उसका सर काट के अपने नेजों पर बुलंद करेंगे। अर्तुरुल की मौत के बाद कारा जैसार की फिजा कुछ बदल सी गई है। काए कबीले के क्या सूरत हाल है? अर्तुरुल की मौत के गम से वो अभी तक नहीं निकल सके, काफी मुश्किल होगा ये उनके लिए। मुस्तकबिल में जो उनके साथ होने वाला है वो इन दिनों को नेमत समझे। हानली बाजार लेने के लिए पेशकदमी कब करेंगे जनाब? बहुत जल्द करेंगे। लुटेरों के सरगना को खबर भिजवा दी तुमने? बिल्कुल भिजवा दी। बहुत खूब। महल इस कारवां लूटने के लिए बेचैन होगा, बहुत खुश होगा ये खबर सुनकर। बहुत हो गई ताजा हवा,
अंदर चलते हैं अब। हमारे खास मेहमान अमीर सादतीन पहुंचने वाले होंगे। देखते हैं क्या मसला लाहा के उन्हें। अमीर सादतीन, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ये मेज सिर्फ आपकी आमद पर सजाई गई है। ताम से भरी मेज रखने वाले का दिल भी बड़ा होता है। मुझे शराकत पसंद है। मुझे भी। मेरे यहां आने का सबब भी यही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे सियासतदान की शराकत गैर मामूली होगी। समझदार आदमी हो तुम एरिस। मुद्दे की बात करते हैं। मैंने अब तक सल्तनत के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है तुमने भी अपनी सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब अपने लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। यह शराकत शर्फ का बायस होगी अमीर सादतीन। जरा खुलकर कहिए जो कहना है। हानली बाजार हमारी शराकत का पहला समर होगा। ये अगर हम मिलकर इसका निजाम संभालेंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो तुम्हें मुनाफा बख्श शराकत की पेशकश कर सकता हूं मैं। मुझे बहुत खुशी हुई अमीर सादतीन, लेकिन कुछ तहफुजात हैं जिन्हें दूर करना चाहता हूं मैं। आप सलजूक सल्तनत के ताकतवर अमीर हैं, फिर भी इससे ज्यादा की तलब क्यों है? जब ज्यादा हासिल करना मुमकिन है तो फिर क्यों ना उससे फायदा उठाऊं मैं। अमीर सादतीन, इससे आगे तो सिर्फ सुल्तानियत है। सुल्तानियत हासिल करेंगे वो भी कर लूंगा जल्द। मैं एरिस के सोने से बाजार खरीदूंगा और बहादुर साहब को इस खित्ते का सबसे ताकतवर सरदार बना दूंगा जो सिर्फ मेरे ताबे होगा। इस तरह वो एरिस अर्तुरुल को भी देख लेगा, और साथ ही वो अपने ही किले में महफूज नहीं इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा उसे। तुम्हें इन मजबूर और बेबस गुलामों की तरह बेचने का कोई इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खरीदने वाला आदमी तय है। सुना है कि मेरे भाई मरहूम जानदार साहब की अमानत की देखभाल अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल।